कैसे फूल रहा है पूरा एकदम नहीं रेड हो गया। इसको इसमें निकाल देंगे, एक हाथ से हम फोन पकड़ेंगे इसलिए हमको निकालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ज़्यादा रेड हो गया। ये ठीक हुआ, देखिए इसको, देखिए कितना
सारे खुल गए हैं इस तरह। एक मध बचे हैं और आटा उसमें ऐसे ही रखे हुए हैं, बनाएंगे बट यहाँ भी नहीं हुए हैं इसको। खुल गया ना, कितना जल्दी खुल गया ना। किस तरह फोन किया, वाह अरे कितने मस्त हो गए ना। देखिए इसको फोड़ के आप लोग बताते हैं हमारा कितना ये हुआ। देखिए गर्म है इसे, देखा कितना क्रिप्सी हुआ है, एकदम पूरा कुरकुर हुआ है। वो सब भी ठंडा हो जाएगा तो होगा, गर्म है ज़्यादा अभी भी, जस्ट निकाले हैं ना इसलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, देखिए इसका आप इसको चोखा भी बना के रखे हैं और इसको यहाँ पे पानी भी बना के रखे हैं। अभी धनिया का पत्ता नहीं था घर पे, इसलिए धनिया का चटनी बना के रखी थी। इसमें जलजीरा मिलाया है, चाट मसाला मिलाया है और नमक मिलाया है, काला नमक मिलाया है इसमें। ऊपर से इसमें थोड़ा सा जीरा को टोस्ट कर लेंगे ये तवा पे, और उसके बाद में उसको क्रश करके इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। हमने भी ले रखा है यहाँ पे, देखिए आप हमने लिए हैं चाट मसाला। वाओ बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी इसका पानी बना चोखा भी बहुत मस्त बना। जल्दी बना के रेडी हो गया, जितना मजा था उसका देखिए कितना क्रिस्पी बना। देखिए दिख रहा है कितना बना, वाह देखिए देखिए सारे इतना ही बने हैं। गुड़गुड़ देखिए सारे सब फूले हैं। ये देखिए ये देखिए ये थोड़ा सा थोड़ा बड़ा हो गया मेरे से, बट बना बहुत अच्छा है, बहुत मस्त। ये देखिए चूल्हा, आप इसमें चोखा में चाहें तो ये मिला सकते हैं प्याज वगैरह, बट हम थोड़ा सा हरा मटर वगैरह था तो वो मिला है, आलू का ही किए हैं। ये देखिए पानी, पानी तो इतना टेस्टी है कि क्या होता है। चलिए अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी बना के देखिएगा ऐसे ही कितना अच्छा बन रहा है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।